हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनली महिंद्रा है वो अपनी नई स्कॉर्पियो को लॉन्च करने जा रही है, और आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ भी है इसी के साथ कि जो नई आने वाली स्कॉर्पियो है उसमें आपको ज़्यादा चेंज न मिलते हुए केवल इस कार के एक्सटीरियर में थोड़े से चेंज मिलने वाले हैं। वही ये कार है वो आपको BS6 कंप्लाइन इंजन के साथ आने वाली है, मतलब कि जो नई आने वाली स्कॉर्पियो है वो अभी हाल ही में आ रही स्कॉर्पियो जैसी ही रहने वाली है। तो इसका वीडियो में हम आपको डिटेल्स में यानी कि विस्तृत में आपको माहिती देंगे कि जो नई आने वाली स्कॉर्पियो में आपको क्या क्या चेंज मिलने वाले। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें, और फ्रेंड जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंड ये नई आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो की, तो आपको बता दें कि इस कार के साथ आपको BS6 कंप्लाइंट 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो करीब 140 BSP तक का पावर जनरेट करता है और 320 Nm का टॉर्क। इसके अलावा फ्रेंड इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑफर किया जाएगा। वही ये कार है वो आपको केवल फ्रंट व्हील ड्राइव के ऑप्शन में मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एक्सटीरियर में इसके डायमेंशन के बारे में, तो आपको बता दें कि ये कार में आपको डायमेंशन के मामले में कोई चेंज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कार है वो आपको पुरानी स्कॉर्पियो जैसी ही रहने वाली है। वही अगर हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर में इसके लुक के बारे में, तो इसके एक्सटीरियर में आपको थोड़े से चेंज मिलेंगे, जैसे कि इस कार में आपको नई वाली ग्रिल मिल जाएगी। इसके अलावा इसके टेल गेट में आपको थोड़े से चेंज मिलेंगे, इसके रियर प्रोफाइल में आपको LED में नए वाले टेल लैम्प मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके एक्सटीरियर में आपको R70 इंच के न्यू डिज़ाइन एलो व्हील मिलने वाला है। ओवरऑल देखिए तो फ्रेंड इस कार के एक्सटीरियर में आपको थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज मिलने वाले हैं। वही अगर हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला। वही आपको ड्यूअल टोन कलर में इसका इंटीरियर मिलेगा, जिसके साथ आपको 7 इंच तक का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन जैसे शानदार फीचर्स को। इसके अलावा फ्रेंड इसके इंटीरियर में आपको ऑटो क्लाइमेट AC, ऑल स्टेयरिंग कंट्रोल, सीट हाई एडजस्टेबल, रियर AC वेंट जैसे वही आपको पुराने सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई फ्रेंड इस कार के एक्सटीरियर वह इस कार के इंटीरियर की बात। अब अगर हम बात करते हैं फाइनल इस कार के सेफ्टी की, तो आपको बता दें कि सेफ्टी में कंपनी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली। इस कार के साथ आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, और ये कार इंडिया के सारे सेफ्टी नॉर्म और क्रैश टेस्ट को फुलफिल किया करेगी। इस कार में आपको ऑल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बैक रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बैक प्रीटेंशन एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक चाइल्ड सीट, हिल हुड कंट्रोल, ऑटो डोर अनलॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे शानदार सेफ्टी के सारे फीचर्स इस कार में आपको मिलने वाले हैं। वही अगर हम बात करते हैं फाइनली इस कार के प्राइसिंग व लॉन्च डेट की, तो यह कार की प्राइसिंग आपको अप्रॉक्स 13 लाख से शुरू होकर 19 लाख तक इस कार की प्राइसिंग जा सकती है। और बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो इस कार को लॉकडाउन के बाद अप्रैल या मई तक इस कार को लॉन्च किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।